अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वो भी बता रहा हूँ, बबलू बता रहे थे कि उधर से उसको मिलते हैं बोले। लेट किया मैंने गाड़ी खड़ी करी, मुझे इसको साफ करो तभी जाएगी। भाई जी नमस्कार। मैं अमिताभ तिवारी, मेरा निजी कलेक्शन है, मैं लैंडस्केपिंग और बोनसाई और ऐसे चीज़ जो रेयर है उनका मैं काफ़ी सालों से, पिछले 30 सालों से कलेक्शन करता हूँ। उसमें मेरे पास फॉसिल्स भी लगे हुए हैं मेरे पेड़ों के साथ, और हर गमला कुछ कहता है, ये परिकल्पना रहती है मेरी कि हर गमले में मैं समय देता हूँ और हर गमला कुछ कहता है, और वो भी मेरे परिवार के सदस्य जैसे मेरे को रोज़ याद आते हैं। उठता हूँ तब पेड़ याद करता हूँ, सोता हूँ तब पेड़ याद करता हूँ। मतलब पर्यावरण प्रेमी है, फ्लावर, वो जो फ्लावर और उसका लैंडस्केप, उन लोगों के लिए प्रदर्शनी लगाई जाई है। और मेरा जो काम है वो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग आए, और इस तरह के शौक जिसमें बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेरा छोटा मकान है, छोटी जगह है, पर उसमें भी मैं यहाँ पे मेरे कम से कम 50 पौधे लगे हुए हैं। क्या आगे और लार्ज स्केल पे ये जो प्रदर्शनी करेंगे, की बात करें, प्रदर्शनी करेंगे, तो ये और लार्ज करेंगे, लोग धीरे धीरे इस बारी जो लोग आए उसमें से बहुतों ने कहा कि हमारे पास भी बहुत है, हम भी लाएंगे, यहाँ से देख के मोटिवेट हुए हैं, और अगले साल लगता है कि निजी स्तर पर बहुत सारे लोग आएंगे। थैंक यू। आप आज यहाँ पर आए हैं पुष्प प्रदर्शनी जो फ्लावर एसोसिएशन ने लगाई, क्या कहेंगे और देखकर आपको क्या लगा, पूरा जो विषय है बताना चाहेंगे? अब फूलों को देख के तो अच्छा ही लगना और अच्छा लगता ही है जी। वो जिस प्रकार का शौक लोगों में देख रहे हैं या जिस प्रकार से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये शौक और ज़्यादा बढ़ेगा इस प्रदर्शनी को देख के। और मेरा तो ये मानना है कि एक पेड़ लगाना एक मंदिर बनाने के समान है, और लोगों को जब इससे जुड़ा हो जाता है
तो फालतू के समय में या जब उसको फुर्सत होती है तो इनसे इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि अगर उसके अंदर डूब गया तो वो सुबह शाम वो उसी में रमा रहता है, उसको और कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और बगीचा घर में हो, आपके घर में कहीं वीरान में भी अगर एक पेड़ अगर हरा दिख जाता है रेगिस्तान के अंदर भी, तो वहाँ के वीरानिता ख़त्म कर देता है वो। जी, जी तो हम तो यहाँ हजारों पेड़ों के बीच में रहते हैं, लेकिन इसका जो सही मूल्यांकन होता है वो आप कभी रेगिस्तान में जाकर देखना कि पेड़ क्या होता है। आने वाले समय में ये और लार्ज स्केल पर हो, ये लार्ज ही, अब इससे अच्छा लार्ज और क्या कर सकते हैं, अच्छी मेहनत है इन लोगों की। जी, और इनका ये तो मेरा शौक़ है इसका। जी जी, क्योंकि मेरे काफ़ी ये था, अभी कुछ समय से थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, पर आज भी घर में हरियाली है। जी धन्यवाद। सर बताइए, आज ये क्या आयोजन हम देख रहे हैं जो आयोजित किया गया है, कब से लेके कब तक और किन वर्षों से कब से ये चल रहा है, क्या पूरा विषय बताएं? ये बताएं जी। सर बेसिकली ये गार्डन एसोसिएशन देवास के द्वारा बनाया हुआ मतलब सब प्रोग्राम है, हम लोग हर साल इसको आयोजित करते हैं फ्लावर शो के नाम से। कितने वर्ष हो गए? तकरीबन 40 साल हो गए हैं, बट बीच में कुछ समय तक ब्रेक रहा, बट फिर दो चार साल 2018 से फिर शुरू किया। जी जी, क्या कितने पुष्प जो है लगाए गए? इसमें सब बेसिकली क्या होता है, इसमें जगह जगह के लोगों के इंस्टीट्यूशंस या फैक्ट्रीज हैं, उनके द्वारा जो गमले जो पौधे बोते हैं वो लोग वो यहाँ पे डिस्प्ले में लेके आते हैं, और व्यक्तिगत लोग भी जो हैं, जैसे तिवारी जी, इनका खुद का अपना प्रदर्शन लैंडस्केपिंग किया हुआ है, वो लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य रहता है कि आम जनता जो है वो लोग भी जाने कि पौधे कैसे हैं, पर्यावरण के बारे में जुड़े जो कि बात कर रहे हैं हम लोग प्रदूषण वाली से, क्यों इतना ग्रीन प्रकृति की तरफ जाएंगे तो लोग कुछ ज़्यादा पौधे उगाएं और देखें, तो इससे प्रेरणा मिलती है उनको देख के। जब रेडी चीज़ को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ देखते हैं पौधों की, और वैराइटीज़ में देखा जाए तो आपके मिनिएचर्स हैं, मतलब बोनसाइज प्लांट हैं, और फूल के तो रोज गुलाब के। रिस्पांस मिला देवास की जनता का? सब देखा जाए तो ईमानदारी से बोलो तो वैसे काफ़ी लोग आ रहे हैं देखने के, बट ये है कि फिर भी बहुत लोगों को नहीं पहुंच पाता, पता लग पाए। हम लोग कोशिश करते हैं हमारी तरफ से कि मैक्सिमम लोगों तक जाए, या पेपर में विज्ञप्ति भी दिया, बट फिर भी पर जितने आए काफ़ी अच्छा दो दिनों में अच्छा रिस्पॉन्स। जी जी, आपका नाम? मैं आशीष कानून गार्डन एसोसिएशन की तरफ से। जी थैंक यू।